गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो। खुश खुश हो ना? तुमसे पूछा है कब तुम कैसे आ रहे हो? अपना हाल चाल अपना मन से बता दो। आज हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम में एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, और वो 5 नंबर का रहेगा आपके एग्जाम में एप्लीकेशन। और अगर आज का क्लास बढ़िया से समझ गए, अरे ये नाला के मतलब ये चाह रहा है हम इसका प्रचार कर दें। दिमाग नहीं आज उड़ रहा है कागज। हाँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम कैसे लिखें एग्जाम के लिए जो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, क्योंकि तो एप्लीकेशन लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जनरली बहुत सारे लोग एप्लीकेशन लिखना जानते हैं, और 5 नंबर जो एग्जाम में एप्लीकेशन का होता है ना, 5 नंबर में से आपका फॉर्मेट अगर सही है तब, और मैटर सही, एक तो फॉर्मेट हो गया, एक मैटर हो गया, अगर दोनों सही है तभी 5 में 5 मिलेगा। लेकिन 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, मैटर तो सही लिखते हैं पूरा, लेकिन फॉर्मेट ही गड़बड़ हो जाता है। तो फॉर्मेट सही होना चाहिए। जैसे देखते हैं आप लोग कि कितना भी लड़की सब फैशन कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन जब बटवारी होगा तो बिल्कुल सूट सलवार वाला बढ़िया सीधा साधा चुपचाप ऐसे करके आराम से आगे वो नया टाइल लिखा होगा, ये हाथ डाल के ये, तो भले कोई कितना भी फैशन करे लेकिन बटवारी टाइम उनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। वैसे ही अरे टकला रे, और बटवारी नहीं हो रहा है, लड़के देखने गया था, देखने लायक है अपने। भाई मेरे, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप मैटर कैसे भी जानते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में लिखने का एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो फॉर्मेट क्या समझिएगा, एप्लीकेशन जब लिखते हो आप लोग, एप्लीकेशन जब भी हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहला काम है तू लिखना है, कोमा देना है, स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं, उसके बाद मैं कोई मैटर भी लिखवाऊंगा। टू के बाद कोमा दिए, और यहां पे ठीक कोमा के बाद अगले लाइन में द प्रिंसिपल लिखना है, और प्रिंसिपल में भी पी ए एल, बहुत सारे नालायक पी एल ई लिख देते हैं, पी एल ई होता है ना, वो प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, जो आपके किताबों में देखते होंगे आप लोग, जो कोई भी मैथ में या साइंस में बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो प्रिंसिपल दिया वो होता है पी आर आई एन सी आई पी एल ई, और आपके स्कूल में जो होते हैं जो आपको कॉलेज पूछते होंगे बढ़िया से, वो होता है पी ए एल, जो पल पल आपको याद आते होंगे, पल पल याद तेरी सताए नहीं तो याद किसी और के साथ आता होगा, प्रिंसिपल के साथ आता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम अपने लाइफ में किसी को याद किए हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, हर दिन हम सोचते थे जब तक हम स्कूल में रहे, हर दिन सोचते मेरा 10th कब कंप्लीट होगा जब स्कूल से छोड़ेंगे ये, मतलब उनके जैसा प्रिंसिपल मैंने कहीं देखा था, मैं दिल्ली में पढ़ता था, खतरनाक टाइप के, मतलब अगर आ गए हैं क्लास में किसी ने किसी को पीट कहीं जाएंगे, और भले गलती हो ना हो गलती निकाल के जाएंगे, खतरनाक टाइप के थे। एक बार आए थे मैथ पढ़ाने के लिए, वैसे टीचर आपको मिल जाता ना बंदा मैथ में कमाल कर रहा, तुम लोग मैथ पढ़ाने आए थे, और मैथ में पढ़ाए थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में बोले सर जो त्रिकोणमिति सबसे हार्ड है मैं तुमको पढ़ाऊंगा, और मैथ वाले सर को बोले कि आप सर दूसरा क्लास लीजिए, उनको थोड़ा दिखाना भी था ना कि हम मैथ जानते हैं बढ़िया से, और वही चक्कर में नाश हो गया। पहले दिन सर आए और एक ये वाला लंबा लाइन खींच दिए ऐसे, और बोलते हैं ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, समझ में आया? यस सर। अरे नहीं तुम नहीं समझा है, फिर समझो, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, समझ में आया? यस सर। अरे तुम नहीं समझा है, बेस देखो, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, इसको बेस आधार बोलते, समझ में आया? यस सर। अरे मैं बोल रहा हूं तुम नहीं समझा है, फिर से देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, चौथा पांच जब 4-5 बार रिपीट हुआ था स्टूडेंट सभी मजबूर कर, तब जब 5 बार पूछते हैं समझ में आया, तुम लोग बोलते हैं नो सर, इतना बार बताया नहीं समझा, मुर्गा बंदा के बाद
मतलब तीन चार बार बोले समझ में आया तो नहीं समझा है, पांच बार बोले नहीं समझ में आया तो मुर्गा बोले, मतलब पीटना ही पीटना है उनके लिए, बस फिक्स था कि आ गया तो पीटना ही है सर का। तो ऐसा एक बार क्लास में वैसे ही हुआ था, एक स्टूडेंट बोला क्या मेरे से, अरे भाई यार थोड़ा बोतल दियो पानी का, डायरेक्ट बोला बोतल दियो। अब खिड़की के पास खड़े थे, इधर वो लड़का गया, सूर्य प्रकाश नाम था उसका, इधर क्या मांगा सर पानी का बोतल, तुम मांग बोला क्या, मैंने कहा सर बोतल देने के लिए, हाँ भाई यही तो मरा, तुम बोतल मांगा है, तुम लिखो कि मैं बोतल मांगा, सर मैं पानी पानी तुमने बोला बोतल मांगा, लो बियर का बोतल बना दिए, उसके पेरेंट्स को बुला दिए और बीच में मैं पढ़ता मॉनिटर में ही था, अब हाँ मैं मजबूरी मिलाना आग मॉनिटर साहब क्या बोला था तुमको सर पानी, तुम बोला क्या था, आंख पर दिखा ली भाई हिम्मत नहीं है दोबारा बोलने का, बोतल बुला सर देखिए मैंने बोला था ना बोतल बोला है, और उसके पप्पा भी होने, क्योंकि इस मामले में यही होता है गार्जियन बच्चा सपोर्ट कहीं नहीं करेंगे, आप अगर मैं आपके पापा को कॉल करके बोल दूं कि आप बदमाशी किए हैं तो मैं तो एगो बोलूंगा, 10-20 को तो फ्री में गिना देंगे, क्या सर आप तो जानबे नहीं करते सर जी, एहन छै ओकर बाद तो फिर लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद तो भाई ग्रेजुएशन में भले 56 लिखने को मिलता होगा, 56 आप शिकायतें लिख सकते हो, तो बड़ा खतरनाक सीन था। तो ये एप्लीकेशन, तो वो वाले प्रिंसिपल में कौन है, पी ए एल, जो पल पल याद आते हैं, अभी भी देखते हैं कि जब भी मेरे सपने में कभी आ जाते हैं ना तो पीट ही रहे होते हैं, आज तक मैंने सपने में कभी नहीं देखा कि मेरे प्रिंसिपल सपने में आए हों और प्राइज दे रहे हो, इन्हीं प्राइज मिलता है, कहूँ प्राइज मिल रहा होता है लेकिन ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा होता वहाँ। टू द प्रिंसिपल, अपने मेरे स्कूल का नाम था MMMBM मदन मोहन मालवीय विद्या मंदिर, तो मैं हमेशा लिखता था इस तरह से MMMBM मदन मोहन मालवीय विद्या मंदिर, आप लोग अपना अपना स्कूल का नाम लिखेगा, जो भी आप लोग सुंदर सुंदर स्कूल है, स्कूल का नाम ABC इंग्लिश स्कूल, ABC सीनियर सेकेंडरी ABC यूनिवर्सिटी, जो जो होगा आप लोगों का लिखिएगा। उसके बाद नीचे में पूरा डिटेल नहीं लिखना है, एड्रेस सिर्फ उस जगह का नाम वहां जहां पे है, जैसे मेरा स्कूल था नोएडा में तो मैं नोएडा लिखता था वहां पे, दिल्ली स्टेशन से करीब वही आधा घंटा का रास्ता होगा तो नहीं, हाँ कुछ हो जाएगा आपको, हाँ घर का पता आपके टीचर को जिनको आप लिख रहे हो उनको अपना पता पता है, इसलिए पूरा ये नहीं क्या जो यहाँ पे घोषणा कर लिखता है पता में, वार्ड नंबर 7, गांव का नाम पसियारी टोल, बोर्ड तोड़, पेट्रोल पंप कागू, फिर नीचे लिखेगा चौबटिया से पीछू 5 हाथ, फिर लिखेगा गांव का नाम। तो भाई आप उनको घर बुला नहीं रहे हो, आपको स्कूल का सिर्फ बताना है कहां पर है, तो सिर्फ दलसिंह सराय में आपका स्कूल है तो सिर्फ लिख दीजिए यहां पे दलसिंह सराय, समस्तीपुर में समस्तीपुर, जहां पे है उसका स्कूल में जब भी कोई कॉलेज या स्कूल का नाम लिखा होता है ना उसके लाख देखेगा स्कूल के ऊपर लिखा रहता है कहां पे है, जैसे आप यहां पे जाइएगा DBM मंसूर चक वाला तो वहां पे लिखा रहता है DBM इंटर कॉलेज मंसूर चक, RB कॉलेज दलसिंह सराय, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, दो स्कूल का प्रचार यहां पे ऐसे ही हो गया। उसके बाद समर्था हाई स्कूल, अब सब स्कूल अपना अपना मत बुलवा लो मेरे से। उसके बाद ठीक आगे को ये था सेकंड फॉर्मेट, 2 के बाद कोमा दिए, उसके बाद आपने ये मैटर दिया, ठीक है 2 के बाद कोमा देने के बाद ये मैटर, अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है आपको, फिर इसी के ठीक सामने लिखना है अगला लाइन, इसी के ठीक सामने पहले फर्स्ट पार्ट बताएंगे फिर सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आया 2 कोमा दिए, उसके बाद द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर और स्कूल का नाम भी, किसी का स्कूल का नाम बहुत लंबा तगड़ा है शॉर्ट फॉर्म लिखो, ये नहीं कि रामेश्वर बालेश्वर महेश्वर सब कुछ करके इतना लंबा है, 2 लाइन में स्कूल का नाम लिख रहे हैं, अब हम भी एक शुरू करेंगे मदन मोहन मालवीय विद्या मंदिर 2 लाइन खाली स्कूल के नाम आएगा, तो नहीं भाई उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है, अधिकतर स्कूल में भी देखोगे कि जो आपको कार्ड जो मिलता है उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, भले स्कूल का दरवाजा पर लिखा होगा पूरा नाम तो वहाँ पूरा ही नाम लिखा जाता है, लेकिन आप लोग जो कार्ड मिलता है कुछ भी मिलता है उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। उसके बाद ठीक इसी के सामने लिखना है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है इंग्लिश ना इंग्लिश लिख देते हैं, तो भाई यहाँ सब्जेक्ट का मतलब आपका विषय कौन सा है वो नहीं, आप किस मैटर पे लिख रहे हैं,
ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश और बायोलॉजी और फिजिक्स मत डाल देना। सब्जेक्ट में किस मैटर पे, अगर कोई अगर आपको बोला गया है बीमारी पे एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो बीमारी के एप्लीकेशन अगर लिखना हो तो सबके लिए एक आसान तरीका बता देते हैं, सबके लिए यूज कीजिएगा यहाँ पे सिक लीव। फोर डैश डे बस, यानी ये एक ओवर भी होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर मान लिया जाए जिनको आपने एप्लीकेशन दिया टीचर को या प्रिंसिपल को, अगर उनके पास लंबा टाइम नहीं है पढ़ने का और वो जानना चाहते हैं कि आप किस मैटर पर एप्लीकेशन लिखे हो, तो वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो खाली इतना ही देख ले इतना ही समझ जाएंगे कि एप्लीकेशन किस चीज के बारे में। ये शॉर्ट भी हो गया उसी का। इसलिए जब भी एप्लीकेशन लिखा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हो सकता है आप एप्लीकेशन लिख रहे हो सामने वाले के पास टाइम पूरा पढ़ने का हो या ना, नहीं भी हो सकता है, अगर है तो फिर पूरा पूरा पढ़ेंगे 50 पदों गलती निकालिए देगा, ये सब खूब होता है। एप्लीकेशन जब लिखोगे प्रार्थना पत्र लिखोगे तो बंदा पहले खोजता है, गलती मिलेगा उसको तो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे इसी नाम पे, तुम ये सही हो नहीं लिख सकता तो एप्लीकेशन मंजूर कहां से हो। तो सिक लीव फॉर, अगर मान लिया 2 दिन का छुट्टी चाहिए तो सिक लीव फॉर 2 डे, 3 दिन का चाहिए सिक लीव फॉर 3 डे, 4 डे, जितना दिन का छुट्टी चाहिए उतना दिन का लिखना है। उसके बाद ठीक सब्जेक्ट के नीचे ही, सब्जेक्ट नहीं चाहिए बायां दायां नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट साइड वाला ये पूरा सीरीज में एक लाइन होना चाहिए, ये वाला भी एक जगह होना चाहिए, ये अगर आगे पीछे होगा इधर कम ज्यादा हो सकता है इस साइड, क्योंकि इस साइड का तो आपको नहीं पता नहीं कहां पे जा खत्म होगा, लेकिन शुरुआत सबका बराबर जगह होना चाहिए। जैसे कि अब रेस होता है, रेस देखते हो आप लोग, तो रेस में जो दौड़ा जाता है सब लोग एक जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन जब फाइनल पोजिशन में पहुंचने में कोई पीछे रह जाता है कोई आगे निकल जाता है, तो फाइनल पोजिशन किसी का आगे पीछे हो सकता है लेकिन इनिशियल पोजिशन सबका सेम रहना चाहिए। इसलिए यहां भी इसका इनिशियल पोजिशन सबका सेम, यहां भी इसका इनिशियल पोजिशन सबका सेम, ये आप लोग अच्छे ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। अब ठीक इसके बाद सब्जेक्ट के नीचे लिखना है सर, फिर कोमा देना, जैसे 2 के बाद कोमा दिए थे, सर के बाद सर नहीं बोलते भाई, सर कभी अभी उसका नसीब नहीं आया, मेरा जागा है उतना, और तुम लोगों का दुआ रात कहीं नहीं जागेगा, इतना भरोसा है मुझे। एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं, हाँ ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सर लिखने के बाद बहुत सारे सर बोलते हैं, सर टीचर, सर टीचर बैठे चर हो गए, टीचर डॉक्टर नदी में घुस कर टर टर हो रहा है, तो भाई ये सब, और फादर फार्मर लग रहा है फार के पर, तो ये सब वर्ड रर का नहीं बोलते हम लोग स्पोकन में, हम लोग बोलते हैं फादर मदर डॉक्टर टीचर, अ का यूज करते हैं, अ का यूज होता है, वहां पे र का यूज नहीं, थोड़ा सुर में वहां पे जाते हैं, टीचर हाय सर ये नहीं कि हाय सर, ये नहीं सर जो तो आप टीचर चेर जो आप, तो हम लोग जनरली ये यूज करते हैं, टीचर को चरचरा देते हैं, डॉक्टर को चरचरा देते हैं, तो भाई ऐसा ऐसा वर्ड हम लोग को यूज नहीं करना है, बिल्कुल फैक्ट वहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी आपको बोलना है हेलो सर। और एक यार एक चीज तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो फोन कर जब भी प्रणाम सर मत बोला करो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कुछ भी बोलो, नमस्ते बोलो, लेकिन प्रणाम यार मत बोला करो। उसका वजह ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ प्रणाम गलत है, प्रणाम बहुत अच्छा वर्ड है, प्रॉब्लम कहाँ पे होता सुनिएगा, आप फोन करते हो प्रणाम सर मैं खुश रहो, कई बार आपके गार्जियन फोन कर देते हैं और उसमें दिक्कत हो जाता है, जब कई बार ऐसा हुआ है कि उधर से आया हेलो प्रणाम सर, मैंने कहा खुश रहिए हम उसके पापा बोल रहे हैं, मेरा वहां पर वाट लगा हुआ रहता है। ऐसे एक विद्यापति के स्टूडेंट आती है, पिछले साल आती थी, उसका नंबर यहाँ पे सेव था, सब स्टूडेंट नंबर सेव रखते हैं, तो उसके पापा का फोन आया, वो थोड़ा लेट घर गई हुई, तो मेरा आदत था अब मैं छोड़ दिया आदत, फोन उठाते के साथ ही मैं मेरा पहला बढ़िया था हमारा लाइक बोल्ड फर्स्ट वर्ड मेरा यही होता था, कोई भी अभी भी कंपटीशन में कोई भी अटेंड करता था हाँ बक यही मेरा है, अभी बोलता हाँ बक यहाँ बोल, कई बार देखा हूँ आप लोगों ने मैं उठाता हूँ इसे बोलता हूँ, इंटर वाले मैं एक नहीं काम नहीं करता हूँ, एक कंपटीशन वाले में, क्योंकि कंपटीशन वाले जिन्हें सुबह के टाइम फोन आता समझ आता है कि घर से वही फोन आया हुआ स्टूडेंट का, तो ऐसे उसका उनके पापा का फोन आया उधर से,
कुछ आता कि इससे पहले हम फोन उठाए बोल रहे हाँ ना लाइक बोल तो हम उसके पापा बोल रहे हैं काम खत्म है मेरा। उस दिन के बाद से फिर मैंने ये लाइन छोड़ दिया कहा ना लाइक बोल। उसके बाद जब भी बोलते पहले सुन लेते आवाज किसका है रेस्टोरेंट का उसके बाद, लेकिन फिर भी प्रणाम वाले में दिक्कत हो जाता अभी भी, इसलिए गुड मॉर्निंग बोलिएगा तो बड़े छोटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रणाम में खुश रहो में दिक्कत हो जाता है। और फिर क्या होता है उधर से बोलता है प्रणाम सर, मैं बोलता हूँ प्रणाम सर आप आशीर्वाद देने के लिए प्रणाम कर रहे हैं भाई हम क्या कर रहे हैं यार हमको क्या बोला तुमने यार। तो इसलिए प्रणाम की जगह पे आप लोग गुड मॉर्निंग का यूज किया करो, गुड आफ्टरनून इवनिंग का सब बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रणाम सबसे बेस्ट है, पाँव छूना बहुत बेस्ट काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोन किया हाँ गोर लागे थी मैं लगले से गोर भाई कहाँ लगले थे तुम तो उनने से गोर आदमी लाग लेना है लगना होगा तो यहाँ ना बिल्कुल नीचे उलट्टा मारना पीके के तरह लाग लेना हो अच्छे से उसको दिखाए। तो यहाँ पे देखिएगा सर कोमा दिए यहाँ के बाद, जैसे इसका पहला लेटर कैपिटल था, इसका पहला लेटर कैपिटल, यहाँ भी पहला लेटर कैपिटल, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली जो आपके नोट्स में मिलेगा उसमें लिखा हुआ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली, कोमा देने के बाद आई बेग टू से दैट। उसके बाद ये पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना भाई अरे टकला ध्यान दे यहाँ पे मेरे ऊपर मत ध्यान दे, इस पे ध्यान दे, मेरे ऊपर ध्यान मत दे कोई फायदा नहीं है। टू कोमा दिए उसके बाद द प्रिंसिपल कैपिटल लेटर में दोनों चीज, द का भी टी कैपिटल में, प्रिंसिपल का भी कैपिटल में, स्कूल का नाम शॉर्ट फॉर्म जब भी यूज करो तो कभी स्मॉल लेटर में यूज मत करो, शॉर्ट फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर में यूज कर कीजिएगा। उसके बाद जगह का नाम बिल्कुल इसी के सामने होना चाहिए, ये इधर उधर हुआ नंबर भी इधर से उधर हुआ, इसका ध्यान रखना है गलती मत करना। सब्जेक्ट उसके बाद ये जो लिखते हैं ये इसके सामने सब्जेक्ट और इसके सामने मतलब आगे हो गया वैसे ये यहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से सिक लीव फोर डैश डे जो भी दिन है वो लिखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट नीचे सर कोमा उसके बाद अगला लाइन से ये भी उसी लाइन में घसीट देना पकड़ के, विद टू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, पहले एक आप कौन है उसके बारे में लिखते हैं, हाँ बिहार बोर्ड बहुत कुछ चेक करेंगे क्या लगा बिहार बोर्ड ऐसा फालतू है, बिहार में पढ़ पढ़ के लोग आईएएस बन गया है तो बिहार बोर्ड के बारे में बात करता है, अब बिहार बोर्ड में पढ़ पढ़ के जेल हो गया है दोनों बात है यहाँ पर। हाँ ध्यान दीजिएगा अगला तो यहाँ हो गया सर विद रिस्पेक्ट, हाँ कुछ मैं स्टूडेंट का अक्सर मैं देखता हूँ आई वर्ड जो यूज करता है आई तो आई के लिए स्मॉल लेटर यूज करता है। मैं बता दूं आप लोगों को कि सारे सब्जेक्ट का एक तरफ और आई का नियम एक तरफ, आई का नियम किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं लगता है, क्यों समझिएगा बड़े ध्यान से। जैसे हम लोग जानते हैं जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर होता है, जैसे ईद हो गया, हैद हो गया, डज हो गया, वाज हो गया, ये सब का सब सिंगुलर हो गया, बिना एस वाला सब प्लूरल होता है, तो आर प्लूरल हो गया, हैव प्लूरल हो गया, डू प्लूरल हो गया, वर प्लूरल, वेयर ने वर प्लूरल आई वही वर मांगो वाला वर, ठीक है ये प्लूरल। अब देखो आई का एक अलग ही फंडा है, इसमें से ना इज लेता है ना ही आर लेता है ना ही सिंगुलर लेता है ना ही प्लूरल लेता है। अभी रुकिए एक बुआ है लोग, हाँ भाई हेलो इन नारायकों का आदत है ना, नोट्स मिलता है सर आप पूछो बकरे कोई दिक्कत नहीं है हम अपने काम लग तो बाद में देखिएगा। आई का फंडा क्या है, आई ना इज लेता है ना आर लेता है, डिफरेंट लेता है यहाँ पे एम, यहाँ पे हैज एम में हैव लेता है प्लूरल, डू डज में डू लेता है प्लूरल, वाज वर में वाज लेता है सिंगुलर, ये सिंगुलर भी ले रहा है प्लूरल भी ले रहा है दोनों को छोड़ के वाला भी ले रहा है,
आपको ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है आई को सुपीरियर दिखाने के लिए, सबसे बड़ा दिखाने के लिए। आई मिस मैं और मैं नियम बना रहा हूं। तो मैंने कहा कि बॉय सब इधर बैठेगा, गर्ल सब इधर। सर फिर आप उनके लिए नियम बना दिए, उनके लिए इधर, आपका मेरा अलग नियम। हमार जहां बोलता हूं मेरा मन होगा हम कभी उधर जाकर बैठ जाएंगे, मेरा मन होगा उधर जाकर बैठ जाएंगे, मेरा मन होगा हम यहाँ आके चलाएंगे। मेरी मर्जी कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्योंकि मैंने नियम बनाया है। इसलिए जो नियम बनाता है वो अपना रूल ब्रेक कर ही लेता है। आई को सबसे सुपीरियर दिखाने के ऐसा किया गया है। आई कभी सब्जेक्ट भी ले लेता है, कभी ऑब्जेक्ट, सॉरी अब सब्जेक्ट बोल रहे हैं, कभी सिंगुलर भी ले लेता है, कभी प्लूरल भी, और कभी दोनों का डिफरेंट भी ले लेता है। इसीलिए आई सब सब्जेक्ट में सुपीरियर दिखाने के लिए आई को कभी स्मॉल में यूज नहीं किया जाता है। हमेशा जब भी आई का यूज किसी सब्जेक्ट के रूप में कीजिएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर में कीजिएगा, कहीं भी हो, चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए। लेकिन अगर ही का यूज कर रहे हो, अगर बीच में होगा तो ही स्मॉल आ जाएगा, सी स्मॉल में आ जाएगा, वी स्मॉल में आ जाएगा, दे स्मॉल में। लेकिन आई शुरू में हो चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो, आई हमेशा कैपिटल लेटर में। जहां जहां आप गलती कर सकते हो थोड़ा टाइम लेके समझो, लेकिन गलती मत करना एग्जाम में। आय आदित्य, अपना अपना नाम लिखना है, चिपका मत लेना यहां से। हाँ भाई, आय आदित्य कोमा दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे भाई चिपका लेना अपने नाम, नालायक सब ध्यान दो। एकाद गो तो नालायक में भी महा कैटेगरी में आता है। हाँ भाई, रिस्पेक्ट आई, ओ सॉरी ये छूट गया ना, तब से बोल रहे थे ध्यान में दिए। हाँ, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ध्यान देना, यहाँ एक बात समझने वाली है कि यहाँ से हम कोमा देकर अगर ऐसा जगह छोड़ के लिखे थे, लेकिन अब जो यहाँ पे बाद लाइन खत्म होगा, अगर लाइन बिल्कुल ठीक इसके सामने होगा ना कि इसके सामने। बहुत सारे होशियार चंद क्या करते हैं कि अब जितना भी लाइन लिखेगा यहीं से कोई नया डिजाइन बना देगा। नहीं, अब जितना भी लाइन आएगा वो सब यहीं से आएगा, सामने से आएगा। आई बेक टू से दैट, पहले अपने बारे में आप हैं कौन, ये ऑप्शनल होता है, आपका मन है तो लिख भी सकते हो, नहीं मन है तो नहीं लिख सकते हो। आई एम आदित्य, आई स्टूडेंट ऑफ, आई एस सी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, कोई सेकंड ईयर होगा तो सेकंड ईयर ऑफ योर स्कूल। मैं आदित्य आपके स्कूल के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं। अब अरे समझाने के लिए नाला तुम लोग यही नहीं यूज करेगा। फिलहाल मैं कोई भी कोर्स नहीं कर रहा हूं, बहुत सारा कोर्स करके बैठ गए, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे एमए हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे टीचर ट्रेनिंग हो, सब कुछ कर करके अब आप लोग ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, आप सन्यासी बन गए, ध्यान देना भाई। अगले साल देखो कुंभ का मेला कहीं होगा तो निकल लेगा कमंडल लेके। स्टूडेंट ऑफ आई एस सी फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ स्कूल, कौन सा नारा कह रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। आई हैव बीन, हाँ यहाँ ध्यान रखना, अगर बीमारी का कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, ध्यान देना यहाँ पे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम। अब जो चीज से पीड़ित हैं, जो बीमारी से प्रॉब्लम में चल रहे हैं, वहां पे बीमारी का नाम लिखना है। यहाँ पे जो नया नया बीमारी लॉन्च होता है कुछ भी लिख देना, यहाँ पे बहाने को बनाना है। कौन सा आप लोगों को रियल में एप्लीकेशन लिखता है? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम,
मैंने को फीवर है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अब एक बात और ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके बाद क्या करते हैं, समझो बड़े ध्यान से, एक पॉइंट जो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, नोट तो मिल ही जा रहा है आपको, इसके बाद ही बताने का रीजन क्या है, हो सकता है कोई स्टूडेंट थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दिया और बेवजह आपको सब कुछ आता हुआ भी नंबर कटता है, बड़ा दुख होता है। अगर ना आए और तब नंबर कम आता है तो अफसोस कम होता है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन आपको आ रहा हो और फिर अगर वो छूट जाए एग्जाम में या गलत हो जाए, उसके लिए आपको टेंशन बन जाएगा और इस वजह से क्या होगा, अगला एग्जाम पे इफेक्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन जान रहे थे और गलती से वहां पे किसी और ऑप्शन लगाने में कलर हो गया, अब वो अगला जितना भी क्वेश्चन होगा दिमाग का प्रेशर बन जाएगा, अरे यार प्रॉब्लम हो गया, और उस चक्कर में क्या होगा, दो चार एक्स्ट्रा और गलत हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा भी गलती ना हो, 100% परफेक्शन का आदत डालिए आप लोग, कोशिश कीजिए कि कहीं भी थोड़ा भी गलती एग्जाम में ना करें। आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, अब जब भी बीमारी का लिख रहे हो अपना मन से हम नहीं बोलेंगे हमको 4 दिन का आराम चाहिए, पहले हम बताएंगे कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया आराम करने के लिए, ये नहीं कि आज हम बीमार हैं हम ही डिसाइड कर लिए हमको 4 दिन और बीमार रहेगा, हमको बुखार टिकेगा 4 दिन, अपने आप डिसाइड नहीं, डॉक्टर ने अंदाजा लगा के बताया कि 4 दिन और आराम करो, 3 दिन आराम करो, दवाई ले लो, तो यहाँ पे भी लिखेंगे डॉक्टर एज एडवाइज। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है, अपना मन से हमने भी बहाना बनाए हैं, डॉक्टर बहाना बना दिए हैं कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है 3 दिन या 2 दिन 4 दिन जो भी है आराम करने के लिए, सो आई कैन नॉट अटेंड माय क्लास फ्रॉम, मान लिया जाए आज अगर लिख रहे हैं बोल देंगे फ्रॉम 22 सितंबर टू 24 सितंबर, मान लिया 3 दिन का है तो 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 3 दिन का हो गया, जो अकॉर्डिंग जितना भी लगाना है जो दिन का रहेगा, अगर अपना मन से लिखना है तो बुखार है तो 2-3 दिन का छुट्टी ले लो, सर दर्द है तो 1 दिन का काफी है, ये नहीं कहा मैं सर दर्द से पीड़ित हूँ, तो सर दर्द से पीड़ित हो सकते हैं लेकिन अभी आप सर दर्द से पीड़ित नहीं हो सकते हैं, अभी आपको सर दर्द होगा, तो सर दर्द वाले में एक बात याद रखिएगा, हेडेक का क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके एग्जाम में हेडेक का क्वेश्चन आता है तो हेडेक के लिए कभी मत लिखिएगा ये लाइन, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस लास्ट नाइट, हेडेक से पीड़ित हूँ, हेडेक और मैं आई हैव अ हेडेक, बस मैं सर दर्द है, उसके लिए नहीं जरूरत है मैं पीड़ित हूँ 4 दिन से 5 दिन से 10 दिन से, सर दर्द एक ऐसा बीमारी है दवाई लीजिए तो आराम हो जाता है, उसको लंबा नहीं खींचा जाता है लेकिन बुखार चलता है, सर दर्द हेडेक जो है ना, हेडेक का यूज आप लोग ये तभी यूज कीजिएगा लाइफ में, हेडेक में तभी यूज करना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस लास्ट 2 इयर्स, मैं 2 साल से हेडेक से पीड़ित हूँ, अब समझ लो कि कौन सा हेडेक की बात कर रहे हैं, तो वो अगर होगा तो उसमें आप यूज कर सकते हो कि 2 साल पहले ब्याह हुआ था, 2 साल से मैं हेडेक से पीड़ित हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग जब माथा दुखाता है ये सब के लिए ये मत यूज करना, वो सब के लिए बस साहब हेडेक बस, और उसके ये भी जरूरत नहीं है कि डॉक्टर ने सलाह दिया 4 दिन आराम करने का, बस कि मुझे 1 दिन का छुट्टी चाहिए, उसमें लंबा चौड़ा नहीं, क्यों हेडेक के लिए कौन सा नंबर लगा जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो तो टैबलेट लिया आराम होगा, और वो हेडेक का तो इलाज हो ना, दूसरा वाला हेडेक अगर तो कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, डॉक्टर अपने प्रीत होते हैं तो कहां से मैं इलाज कर देंगे, सो आई कैन नॉट अटेंड माय क्लास फ्रॉम जो भी डेट है वहां से वहां तक, मैं 2-3 दिन का जो भी है, उसके बाद हाँ अब लास्ट पॉइंट समझिएगा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, उनको जब काइंडली ग्रांट में लिखना होता है देखता है यहाँ खत्म हुआ, चल भाई ये चिपका देते हैं काइंडली,
और अगर कहीं जगह कम होगा तो यहाँ के आई एन यहाँ लिख लेंगे, डी एल वाई डी इंजा कर देंगे। तो भाई ये सब काम मत कीजिएगा, ध्यान रखना कि काइंडली ग्रांट में थोड़ा सा इधर जगह छोड़ के पैराग्राफ आप चेंज कर रहे हो तो पैराग्राफ चेंज कर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, और जगह छोड़ने के बाद आराम से यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ दिए, यहाँ से लिखे काइंडली ग्रांट ऐसे काइंडली ग्रांट में लीव फॉर थ्री डेज, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। 3 दिन की छुट्टी देने की मुझ पर कृपा करें। हाँ ध्यान देना, हाँ मैं सबका जीवाणु टेंशन में ले रहा हूँ। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा, जो कि आप लोग बिहारी सब लिखता है क्या, कृपया मुझे 3 दिन का छुट्टी देने कृपा करें, नहीं तो मैं आप पर बहुत ज्यादा भारी हो जाऊंगा। उनका बोलेंगे कंडीशन होता है छुट्टी दो रास्ता में देख लो, देखियो लेता ना अलग सब। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, उसके बाद लिखिएगा इधर थैंक्स, किधर लिखिएगा थैंक्स, और इस साइड लिखिएगा राइट हैंड साइड में योर्स ऑबीडिएंटली, फिर आपका नाम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, और सीबीएसई वालों के लिए बता दें कि सीबीएसई का न्यू पैटर्न में योर्स ऑबीडिएंटली लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले में इस साइड लिखोगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस चलता है अपना 2009 वाला चल रहा है, सीरीज कभी चेंज होता है, आज सीबीएसई वाला फंडा होता है, इस साल का सिलेबस अगले साल का चेंज हो जाएगा, हर साल ही चेंज हो जाता है, इसलिए सीबीएसई वालों का एक फॉलो होता है इसे लेफ्ट हैंड साइड, बिहार बोर्ड वाले में से क्या होता है राइट हैंड साइड। बाकी अगर जो टीचर बिहार बोर्ड से दोनों पढ़े होंगे उनको इसे पता होता है आप लेफ्ट या राइट लिखे उनको फर्क नहीं पड़ता, और सही नंबर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिखेगा अपना नेम 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 और फिर अपना नाम चिपकाएगा, नहीं भाई डायरेक्ट अपना नाम लिखिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए डायरेक्ट अपना नाम लिख दीजिए, ये नहीं क्या जब यहाँ पर नेम नेम तभी पता चलेगा हमारा नाम है, वो नेम 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 नहीं लगा पता नहीं चलेगा कि नाम क्या है, क्या है नेम की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नाम लिखिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए आईएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है, ये नहीं दोनों चिपका देना कि कखनो ओम भूल जाए कखनो ओम भूल जाए, जो भी डेट है एग्जाम जिस दिन का है तो एग्जाम जिस दिन दीजिएगा उस दिन का डेट डालिएगा, मान लिया जाए कि एग्जाम आपका 22 सितंबर को है यहाँ दे दीजिए, हाँ जब भी हो अपना डाल दिया यहाँ पे। हाँ लास्ट पॉइंट सुनिएगा जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बताना है आप लोगों को, खासकर बिहार बोर्ड वाले को, क्योंकि सीबीएसई वालों को तो ये चीज बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ डिजाइनर नहीं बनाना है, लेकिन हम लोग का बचपन का सीन याद है कि जब स्कूल में पढ़ते थे को फर्स्ट क्लास तक मैं यहाँ पढ़ा, फर्स्ट के बाद में दिल्ली गया था, तो फर्स्ट तक में मैं एप्लीकेशन देखा था, वहाँ डिजाइन क्या होता था कि यहाँ लिखने के बाद एगो लाइन ऐसे होता था, ये वाला ये एगो नया डिजाइन बेजोर बनता था। तो भाई जब तुम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन लेकर अपने से काटिए दिया तो टीचर को काटने क्या लगा था, नंबर खाली देना जीरो, ये डिजाइन हुआ। अरे इनका चले तो मेहंदी का सारा डिजाइन इसमें बना के आ जाएगा, यो बगल से भी ऐसे से करके आ जाएगा, ऐसे से करके पूरा का पूरा डिजाइन आएगा, नीचे लिख देगी कि अगर मेहंदी अच्छा लगे तो नंबर दो नंबर वैसे दे दीजिएगा। तो इसलिए ये डिजाइन भाई मेरे का गलती से मत बनाइएगा, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको कुछ फालतू चीज नहीं करना है, और प्लीज ये सब तो साफे मत लिखना कि हमारे ब्याह होने वाला है प्लीज हमको नंबर बेची दे दीजिएगा, ये देखते हैं कि एग्जाम के बाद कॉपी चेक होने वाला आता है तो बहुत सारी लड़कियां लिख रहती है, शादी होने वाला है शादी टूट जाएगा हमको सर प्लीज बेसी नंबर दे दीजिएगा, आपका कृपा होगा नहीं तो हमारे बाबू क्रिया तोहर कन्या क्रिया मतलब क्रिया क्रिया सब दे बैठता है नंबर दो कुछ कुछ भैया दो थोड़ा थोड़ा खतरनाक होता है, और लड़का सब में भी एक आधो जब कुछ नहीं आता है ना जो फिल्म देखा होगा भोजपुरी वाला और दूसरा कहानी बीच में घुसा देता है।
कि चल भाई हम कहीं कुछ नंबर सर जी अगर नहीं पड़ेगा दो नंबर मिल जाएगा वो बात कर लेना, आप बीते नापेंगे सर जी, कहीं नजर पड़ा तो बीता आपके नंबरों दे देंगे बीते हैं। चलिए पूरा माइंड आ चुका है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिमाग में आ गया, तो अगर मैं नेक्स्ट डे एप्लीकेशन किसे लिखवाऊंगा उसमें गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, टाइम भी हो रहा है। चलिए, और हाँ कल के लिए बात मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि स्पोकन का साइंस के ऊपर आप लोगों को एक स्पीच देना है, जितना बेहतर से बेहतर स्पीच आप तैयार करके लाइएगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि जिनका सबसे बेस्ट लगेगा मुझे सबसे बेटर लगेगा स्पीच उस स्टूडेंट का वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे डालना है, ताकि इससे एक फायदा होता है बता देते हैं आप लोगों को, एक स्पीच मैं अपना भी डालूंगा लेकिन बाकी सारा स्पीच मैं आप ही लोगों का डालूंगा। उसका वजह क्या है कि कई बार एक स्टूडेंट के दिमाग में मेंटेलिटी होता है बता देता हूँ, और वो मेंटेलिटी आसान नहीं है चेंज करना। मेंटेलिटी क्या है कि अगर मान लिया मैं अगर इंग्लिश में 10-20 लाइन बोल के और स्पीच डाल दूंगा, फिर मैं बोलूंगा जब मैं बोल रहा हूँ तुम लोग बोल सकते हो, तुम लोग क्या बोलते हो एक ही लाइन में, अब सर जी हर बात के क्यों आंसर रहता है सर जी, कॉम्पिटिशन वाले अक्सर होता है ना, कॉम्पिटिशन वाले में जब कई बार बोलता हूँ सबको अरे यार दरोगा निकालना बड़ा आसान है, ये लाइन जब भी बोलता हूँ अरे आप तो सर जी हैं, ये वर्ड कहाँ से आ गया कि आप सर जी हैं तो निकाल लीजिएगा, हम क्या मंगल ग्रह से आए हैं, जब हमको ऊपर पढ़ा दिया गया था यहाँ डायरेक्ट एग्जाम तो निकल जाएगा, भाई तुमसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम मेरे लिए निकालना होता है, क्यों? एक स्टूडेंट 15-15 घंटा 12 घंटा घर में पढ़ सकता है, मेरे को भर दिन पढ़ाना है, शाम तक क्लास लेना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, 1-2 घंटा टाइम मिलता है, और वो 1-2 घंटा मात्र पढ़ने से भी मेरा दरोगा अगर निकल सकता है तो कोई स्टूडेंट 15 घंटा पढ़ के क्यों नहीं निकाल सकता है? सिंपल फंडा, मेरा सिंपल सवाल है, उसका मेन वजह क्या है? स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, और वो पढ़ता है बहुत ज्यादा। एग्जाम भाई मेरे मुझे बताइए आपको प्यास लगी हुई है या आपको तैरना सीखना है तो समंदर में जाइएगा, गांव के पोखरी में जाइएगा, अगर तैरना सीखना हो तो पोखरी का यूज कीजिएगा, नहीं समंदर में कूद के जान दे दिए वहीं पे। और स्टूडेंट क्या करता है, उसको तैयार हो करना है कोई चीज, मोटका मोटा किताब उठाएगा, अरे भाई मोटका किताब से एग्जाम नहीं निकलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम निकलेगा कम टाइम, लेकिन प्रीवियस ईयर छोड़कर बाकी सब पढ़ लेता है, प्रीवियस छोड़ के चल जाता है एग्जाम नहीं निकलता है, मेन प्रॉब्लम ये है। आप लोग मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस जो आप लोग का 2009 से लेकर अभी तक एग्जाम हुआ है आप प्रैक्टिस ढंग से करके सारे सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका उसी टकरा जाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन से बाहर से आएंगे, प्रीवियस पे सब ज्यादा फोकस दीजिए, अगर एग्जाम में नंबर ज्यादा लाना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पहले बढ़िया से कर लो, उसके बाद जो टाइम बचेगा ना उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए एग्जाम में अगर नंबर बेहतर लाना हो तो, ये नहीं कि प्रीवियस छोड़ के बाकी सब पढ़ जाएं, लास्ट में सर जी हमको इंपोर्टेंट दे दीजिए, हमको गेस्ट क्वेश्चन दे दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है, आपका गेस्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस में दिया हुआ है, कभी पलट के देखना गेस्ट पेपर को आप लोगों को समझ में आएगा कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसलिए फंडा अपनाइए आप लोग नंबर ज्यादा लाना है, इसलिए बोला हूं। अब आप लोग अगर स्पीच जो होगा एक तो मैं अपना दूंगा, उसके बाद बाकी जो आप लोग दीजिएगा आप ही के दोस्तों में से आप ही के भाई बहन में से कोई अगर स्पीच बढ़िया देते हैं और उनका रिकॉर्डिंग में डालता हूं उस पे, उससे बाकी स्टूडेंट क्या लगेगा कि भाई ये तो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, जब ये इतना बढ़िया बोल सकता है बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तब माइंड में आपका ये आएगा, तब उसके लिए ये नहीं आएगा तो सर जी छो, ये नहीं आएगा, लेकिन वही बात मैं बोलूंगा तो सर जी छो, समझ लो बात कहना क्या है। इसीलिए दूसरा चीज, स्टूडेंट अगर बढ़िया से बोलेगा तो बाकी का हेजिटेशन भी ब्रेक होता है, जैसे मैं कुछ यहाँ फ्रेंकली बोलता हूँ सर आप सर जी आप तो फ्रेंकली बोलते हैं, हम लोग को डर लगता है, आप ही के पीछे कोई स्टूडेंट यहाँ बोलेगा तो मन में नहीं लगा कि हमको डर लगता है, अगर आप ही का कोई फ्रेंड यहाँ पे आके बोल रहा है, और वो वीडियो डालने के बाद आपको एक और फायदा क्या होगा कि जो जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है बोलने में तो एक तो नोट्स मिल ही गया, यहाँ पे हम समझा ही दिए या बता देंगे हर चीज, उसके बाद आप YouTube पर वीडियो देख देख के बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ स्टूडेंट बोलता है कि सर फोन नहीं रहता है तो हम क्या करें, इसके आसान तरीका बता देते हैं, पढ़ाई के लिए जिंदगी में शर्माना मत, कोई दोस्त है तुम्हारा बात नहीं है फोन दिखा नहीं रहा वीडियो देख लेते बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा क्या करेगा मना कर देगा थोड़ा ना तुमको लटका देगा फंस तुम मोबाइल कैसे मांगेगा, अरे वीडियो देखना है अगल बगल के पड़ोसी हैं थोड़ा सा हमको वीडियो देखना है 5 मिनट दे दीजिए मोबाइल या आप ही हम बैठते हैं आपने वीडियो दिखा दीजिए, पढ़ाई में शरमाइएगा जिंदगी में, अगर सक्सेस करना है तो अगर शरमाए तो फिर लाइफ में कुछ नहीं मिलना है, निकाल जाता है जिसने करिए शरम उसके फूटे करम।
और एक बचपन दिख रहा है वहां पे। ठीक है भाई, आज के पढ़ाई में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।